बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको मालूम है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में जब लोग वीज़ाज अप्लाई करते हैं तो उनकी डिमांड होती है कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आप लोग उस कंट्री के लिए जो आपका इंटरव्यू है वो भी दिया जाए, आपका लाइक वो इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करते हैं। हर कंट्री के साथ नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करती हैं। अब उसमें क्या होता है कि लाइक अगर हम पाकिस्तानीज़ की बात करें तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूजन में होते हैं कि यार पता नहीं किस तरह का इंटरव्यू होगा, मतलब वहाँ पर किस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे हमसे, क्या हम उनके लिए तैयार हैं या नहीं हैं, किस लिहाज से क्वेश्चन होंगे, उसका कितनी लाइक लेंथ के अंदर आंसर देना चाहिए हमें, बी स्पेसिफिक और थोड़ा सा एलेबरेट करके दें। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये लोगों के माइंड में आते हैं, लाइक वो इंटरव्यू देने से पहले ही जो है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं। तो बेसिकली जो आज की वीडियो है ये उन क्लाइंट्स के लिए, ये उन न्यूज़ जो कमर्स हैं जो कि फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप लोगों के जहन में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही आसान और बहुत ही सादा तरीका होता है इंटरव्यू का। आपके लाइक जो एम्बेसी में आप जाते हैं इंटरव्यू, जो भी आपकी गिवन डेट होती है, वो सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और वो क्वेश्चन वही होते हैं जो कि आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है, लाइक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछने हैं और देन आपने सिंपली टू बी ऑनेस्ट आपने उनका जवाब देना है। इस तरह आपका इंटरव्यू जो है हो जाता है। तो उस चीज़ को एलेबोरेट करने के लिए आज हमने ये छोटी सी वीडियो जो है वो तैयार की है। इसमें आप लोगों को हम एक डेमो देंगे जिसमें एक एम्बेसी ऑफिसर प्लस जो एक क्लाइंट है नॉर्मल, वो अगर लाइक फर्स्ट टाइम क्लाइंट की बात करें तो वो फॉर एग्जांपल हम किसी कंट्री को ले लेते हैं जैसे कि यूएस जो है, उसके लिए आपको इंटरव्यू देना है तो उसके लिए बेसिकली क्या क्वेश्चन ये होंगे, अगर आप जा रहे हैं तो उसमें किस तरह सवाल पूछे जाएंगे और आपने किस तरह जवाब देने हैं। तो ये चीज़ मैं कंफर्म कर दूं कि लाइक कुछ जो हैं वो इंटरव्यू इंग्लिश में भी होते हैं तो हम आपके सामने उर्दू में पेश करेंगे ताकि जो भी ऑब्वियसली हमारी एक नेशनल लैंग्वेज है और अगर कोई भी कन्फ्यूजन आती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लियर हो जाए। तो एक जस्ट अ डेमो, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपने उसके अकॉर्डिंग जवाब देने होंगे। तो अगर आपकी वीडियो लाइक पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? उमैर नदीम। आपका यूएसए विज़िट करने का क्या मकसद है? मैं वेकेशन के लिए जा रही हूँ। और आपका विज़िट के लिए क्या प्लान है? मैं अपने रिलेटिव्स से मिलूँगी और वहाँ पे कोई कॉन्सर्ट है, वहाँ जाना है। क्या आप पहले यूएस गए हैं? नहीं, ये मेरा पहला ट्रिप है। क्या आपका यूएसए में कोई दोस्त या रिश्तेदार है? जी हाँ, मेरे चंद दोस्त और रिलेटिव वहाँ रहते हैं। उनकी डिटेल जैसा कि एड्रेस और वर्क प्लेस की मालूमात फराहम करें। ये उनकी डिटेल्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। आप यूएसए में जाकर कहाँ रहेंगी? मैं अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास रहूँगी। क्या आपके पास इनविटेशन लेटर है? जी हाँ, ये नहीं कुछ डॉक्यूमेंट्स और उनका इनविटेशन लेटर है। आप कितनी देर के लिए यूएसए में स्टे करेंगी? मेरा स्टे 15 दिन का होगा और 5 जुलाई को मेरी टिकट है। क्या आपकी टिकट की रिजर्वेशन हुई है? हाँ जी, जी हाँ, ये ले। आप किसके साथ ट्रैवल का प्लान कर रही हैं? मैं अकेली ही जाऊँगी। आप जॉब करती हैं और कितना कमा लेती हैं? आई एम मार्केटिंग ऑफिसर और मैं 3 साल से काम कर रही हूँ और ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये आप चेक कर लें। आपका यूएसए का ट्रिप कितना कॉस्ट करेगा, आपको कोई अंदाज़ा है? जी सर, मैंने प्लान बनाया हुआ है, ये कुछ डिटेल्स हैं, आप देख लें और चेक कर लें। क्या आपकी यूएसए में ओवरस्टे करने की इंटेंशन है? सर, मेरा इरादा सिर्फ वेकेशन प्लान इंजॉय करने का है। मेरी फैमिली और रिलेटिव सारे यहीं पर रहते हैं और मेरा वीज़ा एक्सपायरी की डेट भी अगर रिटर्न टिकट के अगले ही दिन है। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अपनी वीज़ा एक्सपायरी डेट से ही पहले वापस आ जाऊँ। क्या आप हमें शो करवा सकती हैं कि आप वापस आएंगी? जी हाँ, क्योंकि मेरा मुकम्मल फैमिली मेरी यहीं पर रहती है और मेरी जॉब भी यहीं पर है और मेरी कोई इंटेंशन नहीं है बाहर रुकने की। मैं अपनी वतन से बहुत मोहब्बत करती हूँ और मैं अपना यहीं पर करियर बनाना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। वेलकम। तो ये एक छोटा सा डेमो था, आपने देखा कि किस तरह एक एम्बेसी, एक यूएस ऑफिसर जो है एम्बेसी में जो एजेंट काम कर रहे हैं वो आपसे किस तरह क्वेश्चंस करते हैं और आपने किस तरह टू द पॉइंट भी स्पेसिफिक होकर आपने जवाब देना है। लाइक आपसे जितना सवाल किया जा रहा है कि आपका नेम क्या है, आपने उसी के मुताबिक जवाब देना है कि मेरा नेम जो है वो उमैरा नदीम है, दैट्स इट। आपने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं आपने सिर्फ वही प्रोवाइड करने हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं डिमांड की जा रही है तो आप अगर उसके साथ लाए भी हैं तो बी पेशेंट, आप उसको अपने पास रखें। उनको हाईगिस भी तमाम डॉक्यूमेंट्स पकड़ाने की नहीं ये परमिशन दी जाती और ना ही आपने उनको ये देने हैं। तो आपने बिल्कुल स्पेसिफिक होकर जवाब देना है हर चीज़ का
और अगर इस तरह कॉन्फिडेंस से जो आपसे सवाल किए जा रहे हैं उसका आप जवाब देते जाएंगे तो आपका जो है वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, इसके अलावा उनको भी इस चीज़ की श्योरिटी होगी कि लाइक ये बंदे को, इंसान को जो है इसको पता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है और इस बारे में कॉन्फिडेंट है। प्लस आप लाइक जिस तरह से आपसे लास्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि आपकी कोई इंटेंशन तो नहीं है ओवरस्टे की, या आप हमें कैसे श्योरिटी करवाती हैं कि आप वापस आएंगी, तो आपने इसका भी जवाब जो है वो इस तरह चंद मुख्तसर लफ्ज़ों के अंदर देना है कि उनको इस चीज़ की लाइक ऑब्वियसली उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपका कोई भी इस तरह का प्लान है तो लाइक उनके पास पहले ही एप्लीकेशन और तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं साथ साथ आपसे, वो चीज़ें इसलिए कंफर्म कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं क्या वो सच हैं, क्या इस बंदे को उसका इल्म है कि किस तरह सारा जो है प्रोसीजर होता है। तो आपने जो है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी झूठ नहीं बोलना, जो चीज़ भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ लिखी हुई है लाइक आप पहले स्टे किया हुआ है नहीं किया हुआ है, आपने उसके मुताबिक ही उनको सच्चा जवाब देना है। इस तरह जो है वो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं और वो फिर आपको अपनी कंट्री में जो है वो वेलकम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि जो छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने आपको डेमो दिया कि किस तरह किया जाता है, आपको ये जो क्लेरिफिकेशन चाहिए थी वो हो गई होगी और आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियो के साथ हम आगे भी हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।